नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीलीभीत जंक्शन की ये माल गोदाम साइड है, यानी कि जो हमारा टनकपुर जाने वाला ट्रैक है, यहाँ से ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और आपको झलक दिखाएंगे खातीपुरा जयपुर से टनकपुर जाने वाली रेलगाड़ी की, जिसका रेक हमने आपको 5 दिन पहले जब वीडियो किया था लगभग, तो दिखाया था पीलीभीत जंक्शन पर रेक खड़ा हुआ था कि यही ट्रेन जयपुर खातीपुरा भी जयपुर में ही आता है, वहाँ से और टनकपुर के बीच जो विशेष ट्रेन चलाई जा रही है सीमित फेरों के लिए, कि ये रेक इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल अभी पीलीभीत जंक्शन से और टनकपुर से लंबी दूरी की कुछ जो नियमित ट्रेन्स चलनी चाहिए अभी नहीं चला पाया है रेलवे, शायद रेक की कमी है। और जैसे जैसे आगे LHB के रेक्स मिलते जाएंगे हमारे NER को और इज्जत नगर मंडल को, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अब जल्दी ही आपको पीलीभीत जंक्शन से और टनकपुर से भी कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स देखने को मिले। और विशेषकर जब हमारा पीलीभीत माला होते हुए शाहगढ़ से जुड़ जाएगा सेक्शन, फरवरी में पूरी कोशिश है सेक्शन चालू हो जाए, जैसा DRM इज्जत नगर मंडल उन्होंने भी बताया था कि पूरी कोशिश हो रही है कि इसी वित्तीय वर्ष में रेलगाड़ियाँ शुरू हो जाएँ। तो उसके बाद पीलीभीत जंक्शन से लखनऊ की दिशा में, ऐशबाग की दिशा में ट्रेन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ की जो डिमांड है ट्रेन्स की, चाहे हावड़ा हो और उसके अलावा मुंबई है, तो लंबी दूरी की कुछ रेलगाड़ियाँ जो परमानेंट चलानी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही हैं। काठगोदाम से भी वही हाल है, पूजा स्पेशल या फेस्टिवल स्पेशल के नाम पर ही विशेष ट्रेन्स दी जाती हैं जो कुछ समय बाद फिर चलना बंद हो जाती हैं। तो फिलहाल एक झलक देखिए खातीपुरा टनकपुर स्पेशल की। 3.5 घंटे के लगभग विलंब हो गया आज इस ट्रेन को आने में, शाही पर भी आधा घंटा लगभग ये ट्रेन आज खड़ी रही और भोजीपुरा जंक्शन तक आते आते लगभग 3 घंटे का विलंब हो गया, क्योंकि ये ट्रेन भी मुरादाबाद से चंदौसी के रास्ते घूमते हुए आती है। तो एक झलक टनकपुर जा रही है देखिए विशेष रेलगाड़ी। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से बीसलपुर निगोही के रास्ते शाहजहांपुर होते, फिर महोली के रास्ते सीतापुर के रास्ते ऐशबाग तक, इस रूट पर भी एक इंटरसिटी ट्रेन डेली कम से कम देनी चाहिए ताकि जो प्रदेश की राजधानी है जुड़ जाए और इस रूट के जो यात्री हैं उनको सीधी सुविधा मिले लखनऊ जाने की, तो इस पर भी रेलवे को सोचना चाहिए। तो फिलहाल एक छोटी सी झलक थी ये, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।